बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखें आप स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी हमसे पूछ सकते हैं सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल पूछ सकते हैं, फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल #BazaarAajAllOrKal लिखकर जरूर भेजें। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और एक और खास मेहमान है आज हमारे साथ शो में शामिल, सेटी फिनमार्ट के MD विकास सेटी। विकास जी, करते हैं आपका शो में स्वागत, और साथ ही जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी, जिनसे समझेंगे कल के लिए अहम ट्रिगर्स। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार का कारोबार कैसा रहा। तो बाजार आज लगातार दूसरे दिन और हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन गिरकर बंद हुए। निफ्टी 150 अंक गिरकर 16,500 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने देखा 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट रही। बाजार में आज चौतरफा गिरावट दिखी, मगर IT, फार्मा और FMCG शेयरों ने ज्यादा दबाव बनाने का काम किया। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, ये 318 अंक गिरकर 36,400 के पास बंद होने में कामयाब रहा। और एडिटर्स टेक में अब अनिल जी से समझते हैं लगातार दूसरे दिन बाजार में आई गिरावट की वजह क्या रही। लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों में आज दिखा दबाव। दबाव की दो बड़ी वजह थी, एक तो अमेरिका में फेड की जो अहम बैठक है जो आज से शुरू होनी है और कल तक चलेगी, और सुबह हमारे बाजारों को उस पर रिएक्शन देना है। उससे पहले थोड़ा दुनिया भर के बाजारों में थोड़ा सुस्ती का, थोड़ी सावधानी का माहौल है। न सिर्फ हम सुस्त और सावधान हैं, अमेरिका के बाजार भी कमोबेश वैसा ही, और वैसा ही रुझान आपको एशिया में, यूरोप के लगभग सारे बाजारों में दिखेगा। मिला जुला सा कारोबार, तो एक तो ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं। कच्चा तेल थोड़ा सा बढ़कर $106-$107 के आसपास आया है, तो हल्की सी वहाँ पर बढ़त हुई है। रहा भारतीय बाजारों का गुरुवार को, एक तो फेड की मीटिंग का नतीजा और दूसरा मंथली एक्सपायरी, तो दो बड़ी चीज़ें एक साथ है। उससे पहले एक तरफा तेजी होने के पहले सारे ट्रेडर्स चाहते हैं भाई कि थोड़ा हल्का रहें, ज़्यादा बेहतर है, ऊपरी स्तरों पर फंसना नहीं है, क्योंकि तेजी एक तरफा हुई है। अच्छा, दो दिनों से FIs की बिकवाली के आंकड़े भी आने लगे हैं, तो ऊपर थोड़ा सप्लाई आना, बाजार का रुकना तय था और वैसा ही हुआ। लेकिन आज खुले गैप से नहीं, इनफैक्ट निफ्टी तो हरे निशान में खुला, लेकिन जहाँ खुला वहीं से सप्लाई जो शुरू हुई, गिरते गिरते दिन के निचले स्तरों पर जाकर बाजार बंद होते दिखे। दो अहम लेवल पर पहुंचे, 16,475 के आसपास निफ्टी पर, लगभग उसी के आसपास बंद होते दिखे, और बैंक निफ्टी पर 16,350 के आसपास पहुंचे बंद होते होते, माफ कीजिएगा 36,350 के आसपास पहुंचे और बंद होते होते 36,400 के आसपास, यानी कि एक कमज़ोर क्लोजिंग दिखी। न सिर्फ क्लोजिंग कमज़ोर थी, लेकिन अगर आप देखें तो आज के सेशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये कि सारे सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली का माहौल जबरदस्त था। तो 150 पॉइंट की निफ्टी की कमजोरी या 300 पॉइंट की बैंक निफ्टी की कमजोरी बाजार की कमजोरी असली में नहीं दिखा रही है, असली कमजोरी उससे कहीं ज्यादा थी। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बंद हुए, तो मेक और ब्रेक वाला मामला है, देखते हैं कल क्या कुछ होता है। थोड़ा सा एक चीज साफ है, एक तरफा तेजी होने के बाद FIs की बिकवाली और फेड की बड़ी मीटिंग और मंथली एक्सपायरी, ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जो भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग और दबाव बनाकर चल रहे हैं। आइए आज के एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं, सेटी फिनमार्ट के विकास सेठी इस वक्त हमारे साथ हैं। विकास जी, चौतरफा गिरावट आज बाजार में देखने को मिली, बाजार की इस कमजोरी में अभी क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले सप्ताह हमने बहुत अच्छी एक तेजी करी बाजार में, उसके बाद इस सप्ताह के जो दो दिन गए हैं वहां पे एक अच्छी खासी बिकवाली हुई है, जिसका एक तो कारण है कि जैसे अनिल जी भी बता रहे थे, एक तो थर्सडे मॉर्निंग को हमको रिएक्ट करना है US फेड की जो मीटिंग है, जिसके कल रात देर रात आउटकम आ जाएंगे, तो उस पर रिएक्ट करना है, और दूसरा हमारी मंथली एक्सपायरी है थर्सडे को, और FIs की जो बिकवाली है वो वापस से शुरू हो गई, पिछले दो दिनों में अच्छा खासा सेल का फिगर है कैश मार्केट में, तो उसके कारण से हम जो गिरावट देख रहे हैं। बट मुझे लगता है ये अच्छा ही है, गोइंग इन टू एन इवेंट अगर हम हल्के जाते हैं, जैसे फेड की तरफ से अगर रेट हाइक जो आती है वो सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट ही आती है, जो कि मोर और लेस गिवन है, और 1% नहीं होता है, तो मुझे लगता है फिर बाजार में एक अच्छी तेजी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और विल बी आउट ऑफ द वे एज फार एज आवर मंथली एक्सपायरी इज कंसर्न। तो मुझे लगता है ये जो हम इन द रन अप टू द इवेंट अगर कमजोर जा रहे हैं, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाइंग टू गुड क्वालिटी कंपनीज, और मुझे लगता है एक दो दिन में एक शानदार तेजी बाजार में बननी चाहिए। ओके, तो मार्केट पर स्ट्रेटजी विकास जी आपसे समझिए, अब हफ्ते भर का किसी को नजरिया रखना हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे, और साल भर के नजरिए के लिए आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा रहेगा?
हाँ बिल्कुल साथी, अगर किसी को पोजिशनल तौर पे पिक करना है तो मेरी आज की पिक रहेगी एक इंफ्रास्टॉक KLR कंस्ट्रक्शन, एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की इंफ्रास्पेस की कंपनी है जो कि रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, EPC प्रोजेक्ट्स, इस तरह के कारोबार करती है। सरकार का पूरा पूरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे और कई ऑर्डर्स रेगुलर इंटरवल पे इन कंपनियों को मिल रहे हैं। फिर इस तरह की कंपनी जो कई रोड्स ऑपरेट करती है, कई हाईवेज ऑपरेट करती है, वहाँ फास्टैग इंप्लीमेंट होने के बाद से जो कलेक्शन के फिगर्स है वो बहुत बढ़ गए हैं। पूरी भारत में आज 150 करोड़ पर डे का कलेक्शन का फिगर आया है जो कि डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है इस तरह की कंपनी के लिए। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, फिर FISDA का भी अच्छा खासा भरोसा अराउंड 38% ओन करते हैं। इस स्टॉक में इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह। पोजिशनली मेरा इसमें टारगेट है 285 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 240 रुपए का। और जहां तक मेरी लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है, मेरी आज की लॉन्ग टर्म पिक है एक डिफेंस का प्ले है, कोचिन शिपयार्ड, भारत की सबसे पहली शिपयार्ड, फिर शिप बिल्डिंग का भी कारोबार करती है, बहुत ही मार्की क्लाइंट लिस्ट है जैसे इंडियन नेवी है, कोस्ट गार्ड है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फितारी ऑयल कंपनीज है जिसमें अबू धाबी की नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, फिर कंपनी एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाती है डिफेंस सेक्टर के लिए और सरकार का अच्छा खासा फोकस है डिफेंस के ऊपर, मेक इन इंडिया के ऊपर। और इस कंपनी की ऑर्डर बुक जबरदस्त, एक 15,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अराउंड 30%, रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं, एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी, अच्छा डिविडेंड देती है 16.5 रुपए का, 16.60 रुपए का टू बी प्रिसाइज लास्ट ईयर डिविडेंड दिया है और बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे 7-8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को लंबी अवधि के लिए करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का कंजर्वेटिव टारगेट है 400 रुपए का, बट आई सी मच मोर अपसाइड इन दिस स्टॉक। बिल्कुल, तो दो स्टॉक अभी पसंद जो है विकास जी की पोजिशनल व्यू KNR कंस्ट्रक्शन में रखने की सलाह आई है विकास सेठी की तरफ से और लॉन्ग टर्म नजरिया कोचिन शिपयार्ड में रखने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी। आने वाले कुछ जो आज नतीजे आए हैं उस पर जरा चर्चा कर ले। पहला स्टॉक LNT जिसके नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, कंपनी का जो मुनाफा है 1170 करोड़ से बढ़कर 1700 करोड़ रुपए पहुंचा है, आमदनी 29,300 करोड़ से बढ़ी है 35,850 करोड़ हुई है। हालांकि हमने देखा मार्जिन पर कुछ दबाव दिख रहा है और ये 7% से घटकर 6.5% पर आ गया है। LNT क्वार्टर वन के नतीजे कैसे लग रहे हैं आपको विकास जी और क्या स्ट्रेटेजी रखे आप इसमें? देखिए स्वाति, वैसे तो बहुत ही दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, इस क्वार्टर के नतीजे पे बाजार कैसे रिएक्ट करेगा दैट वुड डिपेंड ऑन क्या एक्सपेक्ट किया हुआ था। ऑन द फेस ऑफ इट नतीजे अच्छे लग रहे हैं, हालांकि मार्जिन पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, बट अच्छी ऑर्डर बुक है और मुझे लगता है मीडियम से लंबे अवधि के निवेशकों को तो इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए, या अगर कोई गिरावट आती है जैसे आज भी स्टॉक वीक था, अगर कल हम आज अगर US मार्केट्स परफॉर्म नहीं करते और वीक खुलते हैं तो ये स्टॉक में और गिरावट देखी जा सकती है, बट आई थिंक फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने का ही मौके ढूंढने चाहिए। खरीदारी करने के मौके मीडियम टू लॉन्ग टर्म LNT जिसने पेश किए नतीजे, हालांकि जो नतीजे वो कमजोर ही आज देखने को मिला LNT के, हालांकि मुनाफा जरूर बढ़ा है। अगला जो स्टॉक है जिसके नतीजे आए वो है टाटा पावर, नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं, कंपनी का मुनाफा करीब दोगुना हुआ है, 795 करोड़ पर पहुंच गया है, आमदनी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 14,500 करोड़ रुपए पहुंची है। इस शेयर ने पिछले 1-2 साल में शानदार रिटर्न दिया है। अब टाटा पावर के नतीजे क्या रहेगी आपकी राय विकास जी, क्या स्ट्रेटेजी रखें? देखिए स्वाति, अगर एक शब्द में कहूँ तो तोड़फोड़ नतीजे हैं, बहुत ही दमदार नतीजे इस क्वार्टर में आए हैं और मैं इस स्टॉक पे बहुत ही बुलिश हूँ। स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ है और बाकी हर सेगमेंट पे, मतलब पावर के सेगमेंट में, फिर EPC जो कॉन्ट्रैक्ट्स करती है कंपनी, फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे जो फोकस है जहाँ पे 2-3 बड़े फंड्स का इन्वेस्टमेंट आया है, मुझे लगता है ऑल इन ऑल फ्यूचर बहुत ही ब्राइट लगता है। और चूंकि आज ये स्टॉक टूटा हुआ है, रिजल्ट्स के एंटिसिपेशन में चला हुआ नहीं है, मुझे लगता है कल एक अच्छी तेजी से स्टॉक में देखी जानी चाहिए, तो फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो इन लेवल्स में खरीदना चाहिए और मीडियम से लंबी अवधि के लिए तो बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह। ओके, शॉर्ट टर्म हो ट्रेडिंग का नजरिया है, फिर लंबी अवधि में टाटा पावर में खरीदारी की सलाह विकास सेठी की तरफ से। आइए कुछ कॉलर्स के सवाल लेते हैं। पहला सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आ रहा है, जमशेदपुर से प्रभाकर सिन्हा का सवाल है, एशियन पेंट्स पर खरीद लेवल्स बता दें इनके, 110 शेयर इनके पास है, 3,000 इनका खरीद भाव है जिस पर इनको हो रहा है बहुत अच्छा मुनाफा, दमदार नतीजों से शेयर में तेजी भी देखी गई है और जून तिमाही के नतीजे उम्मीद से बढ़कर रहे हैं एशियन पेंट्स के,
क्या सलाह रहेगी एशियन पेंट्स पर आपकी, विकास जी? देखिए स्वाति, प्रभाकर जी को तो मेरी यही सलाह रहेगी कि बहुत अच्छा स्टॉक उन्होंने लिया है और एक अच्छे लेवल्स पे लिया है, और जिस तरह का परफॉर्मेंस इसका जून तिमाही में आया है, और आगे हम देख रहे हैं कि क्रूड में गिरावट आनी चाहिए, उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को होता है। प्लस ये जो कैटर करती है जिन भी सेगमेंट्स को, चाहे वो हाउसिंग है, रियल एस्टेट है, ऑटोमोबाइल है, मुझे लगता है सभी सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं, तो एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए ये स्टॉक। सो मैं उनको सलाह दूंगा, प्रभाकर जी को, कि इस स्टॉक को होल्ड करें। होल्ड करने की सलाह एशियन पेंट्स में आपको दे रहे हैं विकास सेठी। अगला सवाल व्हाट्सएप से ही, पटना से पूर्णमासी यादव का आ रहा है। सिम्फनी इनका स्टॉक है, 200 शेयर सिम्फनी के इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 580 की। सिम्फनी पर अगर इनके खरीद की बात करें तो इन्हें भी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, और हमने देखा कमजोर बाजार में खासतौर पर ये शेयर ने काफी अच्छा उछाल मारा। जून तिमाही में जो मुनाफा है 383% बढ़ा है और मार्जिन दुगने से भी ज्यादा बढ़ा है। सिम्फनी, क्या राय रहेगी? हाँ बिल्कुल स्वाति, पूर्णमासी जी को पहले तो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, बहुत अच्छे लेवल पे इस स्टॉक को खरीदा, और बाकी जिस तरह से इस तरह की कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा इनको जो मेटल्स के दाम कम हुए हैं, चाहे वो स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो सब इनके इंग्रेडिएंट्स या रॉ मटेरियल होते हैं। मुझे लगता है बहुत ही दमदार प्रदर्शन रहा है और आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। हालांकि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, बट मुझे लगता है अभी भी इसमें बने रहने की सलाह है, और यहां से अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे, तो आई थिंक शी शुड राइड हर इन्वेस्टमेंट। ओके, बने रहे सिम्फनी में, ये सलाह आ रही है आपके लिए विकास सेठी जी की। अगला सवाल लेते हैं, छपरा से अमर कुमार का सवाल है, और इनका सवाल दो शहरों पर है। मैप माई इंडिया पर इनका सवाल है, उसके लेवल्स बता दूं, 228 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद 1476 की, काफी नुकसान पर है ये IEX में, और माफ कीजिए मैप माई इंडिया में, और दूसरा जो शेयर है वो IEX का है, 1900 शेयर इनके पास है, जिस पर इनका खरीद भाव है 212 का, और IEX में इन्हें जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ रहा है। इनफैक्ट IEX के जून तिमाही के नतीजे भी सामने आए हैं। मैप माई इंडिया और IEX दोनों में क्या करें? देखिए स्वाति, अमर कुमार जी को सलाह रहेगी कि दोनों स्टॉक वैसे अच्छे स्टॉक्स हैं, मैप माई इंडिया विद इन द न्यू एज जो भी स्टॉक्स है उनमें एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, बहुत ही अच्छी कंपनी है और एक मोनोपोली टाइप का कारोबार है। इन्होंने बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल्स पे नहीं लिया, हालांकि थोड़ा बहुत नुकसान है, बट मुझे लगता है बने रहना चाहिए। और जहां तक IEX का सवाल है, इनकी खरीदी ऊंचे लेवल्स की है, बट एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज ऑपरेट करती है, मोनोपोली टाइप का इनका भी बिजनेस है, अच्छे मार्जिन है। इन लेवल्स पे मुझे लगता है अगर थोड़ा और बाइंग करके अपनी जो एवरेज कॉस्ट है उसको कम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट इट्स अ गुड कंपनी टू स्टे विद, स्टे पुट विद। ओके, तो मैप माई इंडिया, IEX दोनों में बने रहने की सलाह आपके पास आ रही है विकास जी की तरफ से। अगला सवाल व्हाट्सएप से जयपुर से रतन सिंह भेज रहे हैं, और इनका सवाल एक्सिस बैंक पर है, 300 शेयर इनके पास है एक्सिस बैंक के, और 600 इनकी खरीद है, जून तिमाही के नतीजे भी कंपनी के आए हैं, जो प्रॉफिट है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है 91% की, और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी यहां पर हमने देखा है बढ़ी है, प्रोविजंस भी कंपनी के बैंक के कम देखे गए हैं, इन्हें मुनाफा काफी अच्छा हो रहा है अपने इस खरीद पर, एक्सिस बैंक में क्या करने की राय देंगे? नहीं देखिए, ये भी अच्छी क्वालिटी की बैंक है और बैंकिंग सेक्टर पे अच्छा खासा पॉजिटिव व्यू है मेरा, और मुझे लगता है एक्सिस बैंक मतलब अगर टॉप पिक नहीं भी रहेगी तो दूसरे तीसरे नंबर पे ये स्टॉक आता है। इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे लिया है, हालांकि आज स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई है इन लाइन विद द मार्केट्स, बट मुझे लगता है जैसे मार्केट्स चलेंगे तो बैंकिंग वुड बी द फर्स्ट सेक्टर टू परफॉर्म, एंड विद इन द स्पेस एक्सिस बैंक वुड परफॉर्म। तो मेरी रतन सिंह जी को सलाह है कि इसमें भी बने रहे और जस्ट स्टे विद इट। ओके, और लखनऊ से रजनीश कुमार का सवाल लेते हैं, इनका सवाल है मारुति पर, और मारुति के 30 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 7200 की, और कल तो कंपनी के जून तिमाही के नतीजे भी जारी होंगे, इन्हें बहुत अच्छा खासा मुनाफा भी मारुति सुजुकी पर हो रहा है, क्या करें अब नतीजों से पहले भी कुछ खास स्ट्रैटेजी रखने की सलाह? नहीं, अगेन एक बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनी और अच्छे समय पे लिया है, जब ऑटो सेक्टर में एक बिल्कुल बीटन डाउन लेवल पे था 7200 के लेवल पे, तो मारुति बहुत ही अच्छे लेवल्स पे इन्होंने लिया है, और जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बता रहा था जो कंज्यूमर्स ऑफ मेटल है
जैसे ऑटो इंडस्ट्री है जो मेटल्स को कंज्यूम करती है, वहां पे बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला है मेटल प्राइसेस कम होने का, और उसके कारण से हमने एक अच्छी शानदार तेजी देखी है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस क्वार्टर के नतीजे मारुति के बहुत अच्छे रहने चाहिए। हालांकि बाजार ने भी फैक्टरिंग किया हुआ है, बट मुझे लगता है ऑल सेट एंड डन, कैसे भी नतीजे हो इस स्टॉक को बिल्कुल बने रहना है आने वाले क्वार्टर्स में। जिस तरह की पेंट अप डिमांड ऑटो सेक्टर में है, आज आप कोई भी गाड़ी खरीदने जाइए, वेटिंग पीरियड है बड़ा लंबा सारा, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में आने वाले दिनों में भी अच्छी तेजी रहेगी, तो आई विल मेंटेन अ होल्ड। मारुति सुजुकी बने रहने की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। अगला सवाल है हमारे पास छपरा से गुड़िया सिंह का, टेक महिंद्रा पर सवाल ये भेज रही है। 73 शेयर इनके पास है टेक महिंद्रा की, जिस पर इनकी खरीद है 1130 रुपए की। नतीजों के बाद हमने देखा शेयर में गिरावट देखी गई और जून तिमाही में कंपनी के जो नतीजे हैं वो कमजोर पेश किए हैं कंपनी ने, इन्हें नुकसान भी अपनी खरीद पर। टेक महिंद्रा क्या करें? देखिए मुझे लगता है टेक महिंद्रा से एग्जिट करके अगर इनको फ्रंटलाइन आईटी काउंटर्स में रहना है तो आई थिंक बेटर बेट्स वुड बी आइदर टीसीएस और एन इंफोसिस। मुझे लगता है वहां पे अगर ये निवेश करेंगे इसमें लॉस बुक करके, अगर उस पूंजी को वहां पे लगाएंगे तो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे रिटर्न्स और ज्यादा जल्दी इनको वहां देखने को मिलेंगे। तो माय एडवाइस वुड बी टू स्विच टू आइदर एन इंफोसिस और टीसीएस द करंट लेवल्स। ओके, तो टेक महिंद्रा से एग्जिट करने की सलाह यहां पर आ रही है आपके पास। इंफोसिस में खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं, ये राय है विकास सेठी जी की। व्हाट्सएप पर अगला सवाल आ रहा है कोलकाता से पुनीत चटर्जी साहब का, इंफोसिस पर इनका सवाल है और 120 शेयर इनके पास है, 2300 जिस पर इनकी खरीद है। आईटी शेयरों में गिरावट से सेंटिमेंट काफी ज्यादा कमजोर हमें देखने को मिल रहे हैं, टोटल लॉस भी इन्हें काफी ज्यादा है अपनी इस खरीद पर, क्या करें इंफोसिस में? देखिए वैसे एक क्वालिटी मिड कैप स्टॉक है और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी थोड़ा सेंटिमेंट्स नेगेटिव है टुवर्ड्स आईटी सेक्टर बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेड रिसेशन इन द यूएस, और जो इनके वेज कॉस्ट बढ़ रहे हैं, फिर आपके ट्रेवल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये एट्रिशन रेट जो चल रहा है उसकी वजह से, बट मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में इन सबसे ये सेक्टर उभरेगा और तब एक अच्छी तेजी होगी। एंड इट्स अ गुड पिक फ्रॉम द मिड कैप आईटी स्पेस, मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए। कुंडा से ऋषभ अग्रवाल का सवाल, बीपीसीएल पर 500 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 384 रुपए की। बीपीसीएल पर क्या राय रहेगी आपकी विकास जी? फिलहाल इन्हें अपनी खरीद पर नुकसान काफी ज्यादा झेलना पड़ रहा है। इस स्टॉक में मुझे लगता है कोई भी उछाल में एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, बिकॉज ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो क्रूड के प्राइसेस पे डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंडेंट है, तो इस तरह के स्टॉक लंबी अवधि में बहुत ज्यादा पैसा बना के नहीं देते। और कई साल से हम देख रहे हैं इसमें स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट की बातें हो रही है बट वो मटेरियलाइज नहीं हो रही, जब कभी वो होगा तब तो डेफिनेटली यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड मिल सकते हैं। बट मुझे लगता है बाजार में अमतीन अपॉर्चुनिटीज है एल्सवेयर, जैसे बैंकिंग एज ए सेक्टर अच्छा लगता है तो मुझे लगता है, या ऑटो अच्छा लगता है, ऑटो कंपोनेंट अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है उन तरह के सेक्टर्स में अगर निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कल के बाजार के लिए क्या होने वाले हैं अहम ट्रिगर, समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, बाजार के लिए मेन इवेंट्स कौन से होंगे? देखिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं, यहाँ पर आपको खास नजर रखनी चाहिए क्योंकि यूएस फेड की जो दो दिवसीय बैठक है वो आज शाम से शुरू हो जाएगी, और साथ में अगर आप देखें तो कल नतीजों की बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे पहले निफ्टी के दिग्गज स्टॉक्स की बात करता हूँ, आप देखिए बजाज फाइनेंस है, मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, ये निफ्टी की कुछ कंपनीज हैं जो अपने नतीजे पेश करेंगी। और साथ में वायदा बाजार से अगर आप देखें तो बायोकॉन है, कोलपैल है, कोरोमंडल इंटरनेशनल है, लॉरस लैब्स है, यूनाइटेड ब्रिवरीज हैं, ये जो है नतीजे पेश करती हुई नजर आएंगी। और साथ में जिस बैठक की फेड की बैठक की हम चर्चा भी कर रहे थे उस बैठक का जो है नतीजा भी आएगा, तो यूएस फेड की तरफ से जो है ब्याज दरें बढ़ेंगी जो कि निश्चित है, तो इवेंटफुल हफ्ता है यहाँ पर नजर रखेंगे। तो इवेंटफुल दिन कल का होने वाला है बाजार के लिए। अब बाजार पर स्ट्रैटेजी आपको क्या रखनी चाहिए, समझते हैं अनिल जी से। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 1,250 पॉइंट नीचे थे, तो देखते हैं अमेरिका में एक कमज़ोर सेशन की आशंका तो है लेकिन अमेरिकी बाजारों में नतीजों का सीजन भी पूरा जोरों पर है और इसके साथ साथ फेड की मीटिंग भी शुरू हो रही, तो इन दो फैक्टर्स पर वहां नज़र आएगी, तो देखते हैं वहां किस तरह का एक्शन होता है। जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, आशंका पूरी है कि FIIs की तरफ से लगातार तीसरे दिन बिकवाली का आंकड़ा फिर से दिखेगा जो बाजारों को ऊपरी स्तरों पर थोड़ा बढ़ने से रोकेगा, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये कि
दो दिनों की कमजोरी के बाद बाजार थोड़े से हल्के हो चुके हैं। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी में जाने के पहले पोजीशन थोड़ी सी कम हुई, तो इतने तेजी की तरफ पोजीशंस बहुत ज्यादा नहीं बची है, ये एक अच्छा संकेत है। अब आइए सपोर्ट के लिहाज से, कल अगर आप गैप से खुलकर नीचे आते हैं तो 16,200 से लेकर 16,350 से कल और परसों के लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। यहां पर आकर बाजार अपना करेक्शन भी पूरा कर सकते हैं, रुक भी सकते हैं और वापस चलने के लिए तैयार भी हो सकते हैं अगर फेड की मीटिंग के बाद साथ मिले तो। ऊपरी स्तरों पर वही 16,700-16,750 ये स्ट्रॉन्ग रुकावट की जगह है और अगर बड़ी रेंज लेना चाहें तो 16,600 से 16,750 वो रेंज है जहाँ पर बाजार आपको रुकते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, कल के लिए 36,075-36,200 तुरंत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी अगर रिकवर होकर आता है तो ऊपर में 36,700 से लेकर 36,900 की रेंज ऐसी होगी जहां पर बैंक निफ्टी में आपको रुकावट और प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो कल का ट्रेडिंग सेशन और थोड़ा सावधानी के साथ निकालना है और परसों वायदा कारोबार के हफ्ते के मंथली एक्सपायरी के दिन फेड की मीटिंग के बाद बाजार अपनी अलग डायरेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। और आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया करते हैं स्वागत। सर वेलकम, बताइए कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी कहाँ रखी जाए। जी गुड इवनिंग। सो देखिए आज मार्केट में हायर साइड पे एक सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखा। मार्केट में अगर हम देखें तो 16,500 के लेवल को भी हम क्लोजिंग बेसिस पे उसके नीचे बंद होते हुए दिखे। 16,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था लेकिन उसको भी आज वॉयलेट करके मार्केट बंद हुआ और कॉल राइटिंग एक्टिविटी देखे तो 16,500, 16,600, 16,700 ये सारी स्ट्राइक्स पे काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग देखने को मिली। तो हमें लगता है कि ये जुलाई सीरीज का मंथली एक्सपायरी का वीक है और जिस तरीके से अब हम 16,500 के नीचे फिसलते हुए दिखे हैं, हमें लगता है कल और अनवाइंडिंग के ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं जिसके चलते मार्केट में और प्रेशर कल भी प्ले आउट होते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे 16,400 का पुट बाय करके कल के सेशन में ट्रेड करना चाहिए जहाँ पे आज की क्लोजिंग है करीब 56 रुपीज के आसपास, इसमें 35 का स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड का टारगेट 90 से 100 रुपीज तक आते हुए दिख सकते हैं। तो हमें लग रहा है कल के सेशन में भी और यहाँ पे प्रेशर आते हुए दिख सकता है, मार्केट 16,400 इवन 16,350 की तरफ फिसलते हुए दिख सकता है। तो इसको प्ले करने के लिए हम पुट बाय करने की सलाह देंगे। आज के सेशन में देखें सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा जिसमें हमें रैमको सीमेंट का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से रोल ओवर एक्शन भी आज के सेशन में बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है रैमको सीमेंट यहाँ पे अच्छा करते हुए दिख सकता है। कल के सेशन में 720 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो रैमको सीमेंट 685 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। बहुत धन्यवाद करेंगे राजेश जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी बताने के लिए। विकास जी कल के लिए आपके इंट्राडे पिक कौन सी रहेगी? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए जो मेरी इंट्राडे पिक रहेगी वो आज दोपहर को जो सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स वाला जो सेगमेंट है वहां पे भी मैंने यही स्टॉक दिया था, जी एंटरटेनमेंट 235 के लेवल पे बंद हुआ है। इस स्टॉक में जिस तरह के आज खराब बाजार में स्ट्रेंथ और मोमेंटम देखने को मिला, मुझे लगता है कल ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। बाकी एक इम्पेंडिंग मर्जर है सोनी के साथ और उसके बाद ये भारत की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी हो जाएगी विद 33% मार्केट शेयर और मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता स्टॉक है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है इसमें कल का टारगेट है 245 रुपए का, 230 का स्टॉप लॉस रखना। जील कल के लिए खरीदारी करने की सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे सर आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।